हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आप ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और हजरत का हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल किया और आप हजरत की ज़ियारत से तैयार हो रहे हैं। आले रसूल का देखना भी सवाब है, उलमा का देखना इबादत है, आले रसूल का देखना इबादत है। बस 10 से 15 मिनट बस क्योंकि मुझे निकलना, जैसे कि अर्ज़ किया तवज्जो इधर दे दें आप। बात कहाँ थी हमारी? पहला मौलवी क्या बोलता है कि आसमानों में अल्लाह को ले गया, गौफर अल्लाह को कहा ले गया छठे आसमान में, वहां से अल्लाह का पैर खुला। अब वहां से अल्लाह गिरा माज अल्लाह, गौस पाक ने हाथ बढ़ा के पचा लिया। दूसरे मौलवी साहब गार्डन लेकर आ रहे हैं और तीसरे मौलवी साहब कहते जन्नत में सैर कर रहे थे और जन्नत में केले का छिलका था। मेरे ये समझ में नहीं आया जन्नत में केला कहां से आ गया। अरे भाई वहां भी नहीं आ सकता तो केला कहां से आएंगे? तो अल्लाह को केला दिखा नहीं, माज अल्लाह अस्तगफर पैर फिसला अल्लाह गिर गया। अब देखो एक मौलवी यार मिंबर पे बैठ के इस तरह की बातें करेगा और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा, यानी देखो झूठ बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस की दाद दीजिए। क्योंकि मैंने कहा इबलीस हैरान इसलिए कि जब उसने झूठ बोला तो उसको एतराफ था कि मैंने झूठ बोला, वो मानता था कि हाँ मैंने ये गलती की। ये अलग बात है कि उसने तौबा नहीं की, ये तस्लीम है इसको कि हाँ मैंने आदम को जो है सजदा नहीं किया, उसने उसकी तावीले नहीं पेश की, जो उसके दिल में था उसने साफ कह दिया कि मैं आग से बना हूं या मिट्टी से, मैं इसको कमतर जानता, मैं अपने आप को इससे बेहतर मानता हूं। उसने साफ खुलकर कहा, मक्कारी नहीं की, मुनाफिकत नहीं की, जो उसके दिल में बदतरीन अकीदा था उसने इजहार कर दिया। अल्लाह ने कहा चल निकल। लेकिन यह मामला देखिए, ये अपने बाप इब्लीस से भी कितने आगे निकल चुके हैं कि मिंबर पर बैठ के झूठ, इनको पता है कि इस तरह की कोई किताब नहीं है, इनको पता है कि इस तरह किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं है, मगर इतने कॉन्फिडेंस से मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि किताब है, इंडिया से छपी है, मेरे पास है, मोबाइल में है, सफा 181 है, उस पर बाकायदा ये सारे वाकयात लिखे। अब एक सुनने वाला भोला भाला मुसलमान देखता है टोपी लगाए हुए हैं, मौलाना है, बड़े बड़े अलकाबात है साथ में लगे हुए, शेखुल हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, अहले हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, यार वाकई बरेलियों के ऐसे आमाल होंगे इस तरह? यार बरेलियों ने अपनी किताबों में लिखा होगा और फिर कुछ जोला के कुछ आमाल भी उसकी निगाहों के सामने आ जाते हैं। हाँ यार फला मैंने एक शख्स को मदार पे ये करते हुए देखा, फला शख्स को मैंने ये कहते हुए देखा, तो हो सकता है इनके मौलवियों ने कितना लिख दिया होगा। नतीजा क्या होता है? वजन हो जाता है, अहले सुन्नत से खारिज होकर वहाबित की तरफ चला जाता है। इसलिए आज का जो सबसे बड़ा पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का, वो पैगाम मैं ये देना चाहता हूं कि नौजवानों, खासतौर से नौजवानों से खिताब कर रहा हूं, कोई कोई भी आपको कुछ तकरीर सुनाए, वीडियो दिखाए, हत्ता के किताब तक दिखा दे, उस वक्त तक उस पर यकीन ना करो जब तक अपने उलमा के पास जाके उसकी तहकीक ना करो। इसलिए कि इबलीस वादा करके आया है, ये बोलकर भी आया कि मैं इबलीस बनकर आऊंगा और गुमराह करूंगा, उसने कहा नेकोकार बनकर आऊंगा, सिरात मुस्तकीम पर बैठकर गुमराह करूंगा। और अगर इनसे मक्कारों से बचना चाहते हो तो औलिया की बना, इसलिए कि वो सच्चे हैं। अल्लाह फरमाता है वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू ला चुका। बस एक आखिरी क्लिप और हमारे आसिफ भाई ने मुझे एक कागज लिख के भेजा है, उसका मैं उसी का एहतराम करते हुए, क्योंकि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई का, हमारे नागपुर तशरीफ लाते हैं ताजुल औलिया के उर्स के मौके पे, जो वहां पर मुशायरा होता है उसकी बड़ी जबरदस्त निजामत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम जरूरी है। और इसी से मुंसलिक है गरीब नवाज की हम बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए जो झूठे हैं वो अपने आप को बड़े शेखुल हदीस बोल रहे हैं और जो हकीकत में सच्चे हैं जिनके साथ होने का कुरान हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअ सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, उन सच्चे औलिया इकराम पर कैसी कैसी लानतें भेजते हैं और कैसे कैसे झूठ मंसूब करके नऊज़ बिल्लाह उनको फितना परवाना क्या क्या नहीं बोलते, उसकी अगर आपको झलक देखना है तो ये एक झलक देख लीजिए आप। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مولوی معراج ربانی درست نے کیا کہا ہے कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अल-मेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90 बंदा
मैं उसी वीडियो की तरफ आ रहा हूँ, मैंने वहाँ बीच को छोड़ के जर्जिस कॉल निकाल दिया था। अब उसको सुन लीजिए मुकम्मल क्या कहा है आगे। हर मुसलमान हो गए जी, हमारे अंगेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा के 90,000 मुसलमान हो गए और इधर सलाम फेरा के 90 करोड़ इधर 1,000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया। किस है झूठ है बोहतान है ये तो पांचवी छठी छठी और सती सातवीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर और खुराफात में है। और बनू उमैया के दौर के अंदर क्या कहते हैं साहिल सिंध के ऊपर और कहां पूरा इस्लामी सल्तनत हो चुकी थी दूसरी तीसरी सदी हिजरी के अंदर। ये कहां के पैदा हुआ, इनसे कहां इस्लाम पहुंचा फैला, इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, इनसे इस्लाम क्या हुआ है। अगर वो किताबें जो हमारे मुल्कों में बुजुर्गों के नाम पर चल रही हैं, जैसे मतलब वही जो अभी मैंने अजमेरी ख्वाजा अजमेरी के नाम की जो किताब बतलाई वो किताब अब वो है मौजूद है, उसकी पूरी प्रिंट कॉपी मौजूद है, मैंने किसी और शैतान वाली वीडियो पैकेट में मैंने सबको दिखलाई है, उसके अंदर मौजूद है कशफुल महजूब जैसी खुराफात जो दातागंज हजवेरी के नाम से याद किए जाते हैं उनकी अपनी लिखी हुई किताब मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर भी खुराफात जो मौजूद हैं। अगर ये अकीदे रखने वाले ये अकीदे वो रखते थे और यकीनन ये उनकी किताबें हैं, अगर यकीनन उनकी ये किताबें हैं तो हम तहरीर देख करके ये हुक्म लगाते हैं ये किसी मुसलमान मोमिन की तहरीर नहीं बल्कि ये काफिर और मुशरिक की तहरीर है। समझ आई आपको। यह गरीब नवाज की एक मकतूबात है जो ख्वाजा बख्तियार काशी ने जमा की, उसके ताल्लुक से बात कर रहा है, वक्त नहीं कि मैं तशरीह करूं। ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है और इसको 8 साल पहले मैंने मुनाजरा किया था, बाजाबता वो DVD और CD इस तक पहुंचाई गई थी। अब आप सोच रहे हैं तो सऊदीया में रहता है मुनाजरा कैसा, ये हैदराबाद आता है हमेशा, और मैंने कहा कि जब भी आप हैदराबाद आए तो आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा तन्हाई में, 11 लोग आपकी तरफ से होंगे, 11 हमारी तरफ से होंगे, यानी 11 11 कितने हो गए टोटल 22 और आप और मैं 24 लोग, क्योंकि आपको ये 24 की नस्बत बड़ी पसंद है, तो कुल 24 लोग होंगे और 24 में मैंने कहा तुम 24ों की बजाऊंगा अगर हिम्मत हो। हैदराबाद आया ये, वहां लोगों ने उसको पकड़े, मुनाजरे की बात ही मस्जिद में पकड़े, इसकी वीडियो नेट पे लगी हुई है, ये वहां ये बदबख्त तैयार हुआ और ये बोलकर वहां से भागा कि आपको मुनाजरा करना है तो यहाँ के मौलवियों से बात कीजिए। हबीस के बच्चे बोलता तू है मुनाजरा यहाँ के मौलवी से करो बोलते, और यहाँ के मौलवियों को पकड़ो तो कह रहे जिसने कहा उससे बात कीजिए, तो ये पूरा झूठ का खेल है। तो हजरत गरीब नवाज की मक्तूबात है जो ख्वाजा बख्तियार काशी को खतूत लिखे, उसमें आपने तो तसव्वुफ की बातें की है, उसमें एक जगह वो लिखा है जिसका जिक्र इशारा कर रहा है कि आपने कहा कि अजीज तलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत क्या है। मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब तू कहता है अजीज ला इलाहा इल्लल्लाह तो तूने कलमे को जबान से अदा किया, इसको अपनी अमली जिंदगी में नहीं लाया, जब कहता तो कोई नहीं माबूद तो तेरा नफ्स उस वक्त होता है, और नफ्स के बारे में कुरान कहता है कि इन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया, तो ऐसी उस वक्त तक तू कलमे को कमा हक्का पढ़ने का हकदार नहीं और तूने उसको अपनी अमली जिंदगी में जब तक तू इस कलमे के इकरार से पहले अपने नफ्स को अपने आप को फना ना कर। ये तसव्वुफ की बात है, इसकी तशरीहात है, ये कहता है कुफरिया बात है, इसकी तशरीह तो रसूलुल्लाह ने कभी नहीं की, किसी साहबी ने नहीं की। दातागंज लाहौरी की कशफुल महजूब है, उसमें कुछ बातें कह रहा है, कहता है कि इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, इन बुजुर्गों से इस्लाम तो बहुत पहले आ गया था, गरीब नवाज से नहीं आया, ये तो छठी सदी हिजरी में आए, इस्लाम पहले आ चुका था, तो इन्होंने इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी हिंदुस्तान में बल्कि शिरकी बीजे डाली है। तो इसका इसमें मुख्तसर अभी जवाब दे रहा हूं, तफसीली जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, वक्त नहीं है कि मुख्तसर में जवाब दे रहा हूं कि अगर छठी सदी में आकर ये शिरकी बीजे डाल रहे थे तो तुम्हारा तो दावा है कि हम तो 1400 साल से है, 1400 साल से पुराना हमारा मजहब है, हम नया फिरका नहीं है, तो जब ये शिरकी बीजे डाल रहे थे तो तुम्हारे मुल्ला मौलवी क्या कर रहे थे, घास छेड़ रहे थे, वो कहां थे, नऊज़ुबिल्लाह शिरकी बीजे नहीं डाल रहे थे, शिर को खत्म करने आए और शिर खत्म किया उन्होंने, तो इनसे इस्लाम बदनाम नहीं हुआ बल्कि इस्लाम किससे बदनाम हुआ, तुमसे, और तुमसे ऐसे बदनाम हुआ कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, जिनकी किस्मत में ईमान था वो ईमान ले आए, जिनकी किस्मत में नहीं था उनको भी इस्लाम से पसर नहीं होने दिया। नतीजा ये है कि वक्त का कितना ही मुतासिब प्रधानमंत्री किसी भी कुर्सी पर बैठ जाए उसको भी खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए आज भी बारगाह गरीब नवाज में चादर पेश करनी पड़ती है। ये उनकी हक्कानियत, ये उनकी तबलीग का श्लोक है, ये उनकी तबलीग का तरीका कार है कि अगर
इस्लाम लाने लाने की तौफीक दी है अल्लाह ने, आ जाओ इस्लाम में। तौफीक नहीं तो कम से कम इस्लाम से तो तुम मुखालिफ बनो, मुसलमानों के मुखालिफ ना बनो। यही वजह है कि आज भी गैर मुस्लिम जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जिनको तौफीक नहीं, मगर आज भी बारगाह गरीब नवाज में सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो हिकमत है। और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे जाकिर नाइक ने दो लोगों को भी ढंग से कलमे नहीं पढ़ाए, मगर इस्लाम पर आतंकवाद का लेबल लगा दिया, दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। और ऐसा दहशतगर्दी का लेबल लगाया कि उस लेबल को धोने के तुम्हारे पास ना सबूत थे, ना प्रूफ थे, कुछ नहीं थे। तुम्हारे पास था तो ये कि उठाओ लुंगी और भागो, मुल्क छोड़ के भाग गए। और जब उसके बाद जाकिर नाइक की प्रॉपर्टी की तहकीकें हुई, गवर्नमेंट ने रेड मारी, ये न्यूज चैनलों पर मौजूद है, आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, मेरे पास सारे वीडियो मौजूद है पूरे। उसके उन गुर्गों को पुलिस ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, जो उसके गुर्गे थे उसके साथ काम करने वाले। और जब रेड पड़ी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी तो पता चला 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां है, कई हजारों की प्रॉपर्टी उसके गवर्नमेंट ने जब्त की। अब पूछा गया कि इतना पैसा नाइक के पास कहां से आया? डॉक्टर जाकिर नाइक का कोई क्लिनिक नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, वो खुद स्टेज लगा के तकरीरें करता था, लाखों के स्टेज लगते थे, और ये पैसा कहां से आया? तो उसके गुर्गों ने मजबूर होकर टीवी चैनलों पर आकर बयान दिए, बाजाबता बयान है, मेरे पास मैं दिखा सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है। उन्होंने बयान देकर ये कहा कि साहब असल में पैसा सऊदीया से आया, और सऊदीया से इसलिए आया कि आप जो अक्सर जाकिर नाइक के प्रोग्राम में देखते थे कि दो खड़े हुए और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, फिर नाइक साहब लिखते थे कोई डर कोई खौफ किसी का दबाव, नहीं कलमा पढ़ाया, इसकी डीवीडी बना दी जाती थी, इसकी सीडिया बनाई जाती थी, और अपने सऊदी आका को दिखाया जाता था कि देखो साहब जाकिर नाइक इस वक्त हिंदुस्तान में कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इनको पैसों की मदद कीजिए, वहां के बड़े बड़े शेखों से करोड़ों लाखों रुपए के डोनेशन लाए जाते हैं। ये वो है पैसा जो बरसों में जमा किया गया। इस्लाम तुमसे बदनाम हुआ, और किस तरह बदनाम किया इन्होंने बुजुर्गों के, तो छोड़ो ये क्या होते, जिस नबी की हदीस का नाम लेते हैं ये उस रसूल के नहीं हो सके। चुनांचे मैं एक आपको दिखा रहा हूं, ये अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है भाई, इसका नाम है अब्दुल अजीज अशुबल, सऊदीया का इस वक्त मुफ्ती है। इस बदबख्त ने 2014 में, अभी चल रहा है 2021, यानी कितने साल हो रहे हैं, 7 साल हो रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लें। 2014 में इसने फतवा दिया, किंग अब्दुल्ला उस वक्त बादशाह था, किंग अब्दुल्ला मरा, उसकी जगह भी उसका भाई किंग सलमान बैठा है, और सलमान भी बना में बादशाह है, उसने अपने भतीजे को सारा इख्तदार दे रखा है, इसे ये पोजीशन है सऊदी अरब की। किंग अब्दुल्ला को इसने एक फतवा दिया, तहरीर दिया, और कहा कि किंग अब्दुल्ला आप इस्लामी मुमलकत के बादशाह है, हम तो आपको अमरुल मोमिनीन कहते हैं, अमरुल मोमिनीन मानते हैं, आपको चाहिए कि अल्लाह ने जब इक्तदार दिया तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के फतवे पे अमल कीजिए, यही वो वक्त है कि अमल किया जाए। और फतवा ये था अब्दुल वहाब नजदी का कि रसूलुल्लाह के मजार को और गुंबद को ढा दो, इसलिए कि ये भी शिर्क का अड्डा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताबों में लिखा ये बात कि रसूलुल्लाह के रोजे को देखना बुत को देखने की तरह, इब्ने तैमिया की किताबों में लिखा है अल वसीला और किताब अल वसीला वगैरह में, तो हुजूर की कब्र से शैतान आवाजें निकालता है। तो उसने फतवा दिया कि साहब हुजूर की मजार को ढा दो, और जो लोग हज करने के बाद रसूलुल्लाह की कब्र पर आते हैं वो अपने हज को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए कि कब्रों की ज्यारत चाहे वो रसूलुल्लाह की ही ज्यारत क्यों ना हो ये मुश्किल। अब हुआ क्या कि ये फतवा जब इसने दिया तो ऐवान जो होता है, पार्लियामेंट हाउस होता है जो सऊदी अरब का, वहां पर इस फतवे को पेश किया गया, पढ़ा गया। तो अमेरिका का एक अखबार है, ये वो अखबार है जो मैं दिखा रहा हूं द इंडिपेंडेंस, अमेरिका के अखबार के एक रिपोर्टर ने वो सारी रुदा जो सारे वहां मामला को फतवे को लेकर चल रहे थे वो सारी उसने तहरीर कर दी, और तहरीर करके इतने छापा के साथ देखो इनका इरादा जो है रसूलुल्लाह के रोजे को उठाने का हो गया। जब ये अखबार आते हैं खबर आई, ये बहुत रिपोर्टेड इंटरनेशनल अखबार है, ये कोई लोकल अखबार नहीं है, ये अमेरिका का, अमेरिका का अखबार इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में जाता है। तुर्की में एहतजाज शुरू हो गया इसके खिलाफ, सूडान में, मिस्र में, जितने बड़े बड़े इस्लामी ममालिक थे वहां, हत्ता के पाकिस्तान में अल्लामा आसिफ जिलानी साहब अभी जिंदा है माशाल्लाह,
उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली और बाकायदा वार्निंग दी किंग सलमान को, किंग अब्दुल्ला को, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को कि अगर तुमने रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ आग भी उठाई तो हम लोग बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट के किसी भी तरह चाहे चले जाए, चाहे तुम हम पे गोलियां कर जो है गोलियां दाग दो, हम अपनी पाकिस्तान की बॉर्डरों से होते हुए सऊदीया में घुसेंगे और तहलका मचा देंगे। हत्ता के ईरान, हालांकि शिया मुल्क है, वहां के ईरान के प्रेसिडेंट ने भी उस वक्त ऐलान किया कि अगर रसूलुल्लाह के रोजे की एक ईंट भी तुमने हिलाने की कोशिश की तो ईरान सबसे पहला मुल्क होगा जो तुम पर हमला करेगा। जब ये एहतजाज हुए और ये जब सब बयान आने शुरू हुए तो तीन या चार रोज के बाद ही किंग अब्दुल्ला ने माफी मांगी और ऐलान किया कि साहब हमारा इरादा नहीं है रसूलुल्लाह के रोजे को उठाने का और तोड़ने का, असल में ये हमारे एक मुफ्ती साहब का फतवा एक राय थी। लेकिन इस खबीर अब्दुल अजीज अशुबा जो मुफ्ती है आज तक इस बात से तौबा नहीं की और तौबा इसलिए नहीं की कि इनकी किताबों में, अगर वक्त होता तो मैं इनकी किताबें बाजाबता दिखाता, इनकी किताबों में बाकायदा मौजूद है, तहरीरें हैं, लिखी गया है कि रसूलुल्लाह के रोजे को उठाना ये भी कार्य सवाब है और जिस दिन अल्लाह ने हमको ताकत दी तो हम ये काम करेंगे। और ये अखबार और ये सब एक तरफ रख दें तो बोलता हुआ एक मौलवी आप देख लो। अच्छा, उसी सिलसिले में फिर क्या हुआ, ये 2016 की बात है, नहीं देख ये देखिए ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल से मैंने निकाला है। रसूलुल्लाह के रोजे के करीब बम धमाके हुए, मुझे बताइए कौन लोग थे जिन्होंने बम धमाके, हिंदुओं का दाखला तो मना है, ईसाई वहां नहीं जा सकते, यहूदी वहां नहीं जा सकते, तो कौन लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के रोजे के पास बमों को फोड़ा, बमों के धमाके किए, मकसद था रसूलुल्लाह के रोजे को नुकसान पहुंचाना। और बाद में जब दुनिया में थुतू हुई अब दो बातों में दुनिया में मजम्मत की गई, एक ये कि बाज़ाहिर वो तो मुसलमान ही होंगे, बना में मुसलमान जो गए, जिनको तुमने दाखिले की इजाजत दी, तुमको जिनको तुमने वीजे दिए, जो हज के नाम पर, जो रसूलुल्लाह की कब्रे मुबारक की ज़ियारत के नाम पर और बम धमाके करके चले गए, तो तुम्हारी सिक्योरिटी का हल क्या है? और ये तुम कैसे मुसलमान हो कि जो अपने ही पैगम्बर की कब्र को ढाना चाहते हो? तो किंग अब्दुल्ला ने उसको बयान दिया कि साहब असल में नहीं असल में बम धमाके नहीं हुए थे, हम ट्रायल कर रहे थे, ट्रायल मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर इमरजेंसी में कोई आ पर किसी दहशतगर्द का हमला हो जाए तो हम कैसे उससे निपट सकते। अंदाजा लगाइए लाल किले पर हमला अचानक हो जाए तो हम कैसे लाल किले को बचाएंगे, उसकी प्रैक्टिस किसी और जगह होगी तो लाल किले पर बमबारी करेंगे। बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, भाई मिलिट्री की ट्रेनिंग कहां होती है? भाई चाइना हम पर हमला करने तो हम कैसे निपटेंगे? तो ये प्रैक्टिस करने आप चाइना जाएंगे क्या? चाइना वाला आपको गुस्से से उड़ा देगा आपको। अचीवमेंट भी कर दी, देखिए इसकी रिपोर्ट है की जा सकती है और साथ ही आप धुएं के बादल भी देख सकते हैं। मस्जिद नबवी से हरम शरीफ के नजदीक ये जन्नतुल बकी के करीब ये धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद हरम शरीफ में जो मंजर है वो भी आप देख सकते हैं। लोगों में कुछ खौफ हिरास भी दौड़ गया और इस बिना पर लोग परेशान भी देखे जा सकते हैं। और ये मनाजर एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं। बहुत लंबी रिपोर्ट है, काफी लंबा है। ये अंदाजा लगाइए कि अगर ये ट्रायल था तो पब्लिक घबरा क्यों रही है और पब्लिक के बीच में आप ट्रायल करते हो क्या? यार हमने तो नहीं देखा। ये अक्सर आसिफ भाई को भी आपको भी इत्तेफाक पढ़ाऊंगा, एयरपोर्ट जाते हैं हम लोग तो अक्सर वो बीच बीच में कभी कभार क्या होता है कि वहां की जो सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं, वो कि भाई अचानक हमला हो तो कैसा हो, कैसा निपटेंगे, उसके लिए वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। उस वक्त बाकायदा ऐलान होता है, पब्लिक को वहां से हटा दिया जाता है और फर्जी तौर पर वो बंदूक से गोलियां नहीं चलाते, वो लोग फर्जी तौर पर बंदूक लेंगे, आवाज निकालेंगे, इस तरह की करती हरकतें हमने तो आज तक नहीं देखा। ये कौन सा ट्रायल है रसूलुल्लाह के रोजे के पास आप बम का धमाका कर रहे हो, उसको ट्रायल का नाम दे रहे हो जबकि आतंकवादी हमला था तुम्हारा? अरे जबकि सहाबा का अदब ये था कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हो वफाउल वफाउ में इमाम समूदी नकल करते हैं, इसको मुतअद्दिद उलमा ने, यहां तक कि हजरत इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने शिफाउ सकाम में इसको लिखा। बहुत सारे हवाले मैं दे सकता हूँ। अलगरा के सारे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि कोई रसूलुल्लाह के रोजे के करीब घर होता और वहां कोई अपनी दीवार में कील ठोकता तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका पैगाम भेजती कि कील ना ठोको, इससे जो आवाज पैदा हो रही है इससे रसूलुल्लाह को तकलीफ हो रही है। ये सहाबा का अदब था, वो रसूलुल्लाह की बारगाह जहां कुरान कहता है कि यहां अपनी आवाज को बुलंद ना करो, या अय्युह लजीन आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो,
तुम्हारे ईमान बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बम फोड़ के बम के धमाकों से आवाजें पैदा करते हो और ट्रायल बोल रहे हो। और बाकायदा महराज रफ्फानी, अभी जिंदा मौलवी है वही जिसकी मैं दिखा रहा था, जो गरीब नवाज को गालियां लालतान कर रहा है कि इस्लाम उनसे फतनाम हुआ है और इस तरह हुआ उस तरह, इसने बाकायदा नौसिल्ला बयान दिया, इसका वीडियो बयान मौजूद है। कहता है कि गुम्बद खजरा को तो ढाने का हमारा